ऑलराइट गाइस, तो कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू डेज गोन पार्ट 3। पर अभी तक हम लोगों ने काफी ज्यादा सर्वाइव कर लिया है। हमारे दोस्त का ना पूरा का पूरा बाजू जल गया था, उसके लिए हमने बैंडेजेस ढूंढी काफी मुश्किल से। उसके बाद हमें पता चला गवर्नमेंट के रिसर्चर्स कुछ ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, और उनकी चोरी से बातें सुन के भी पता चला कि वो लड़की भी जिंदा है जिसकी जान बचाने के लिए हम ज़ॉम्बीज के पास रुक गए थे और उसको हेलीकॉप्टर पे भेज दिया था। अब देखो आगे क्या होता है। चलो जल्दी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गेम। ओके, अभी विंग्स से गेम स्टार्ट हो रही है जहाँ से मैंने एंड की थी। लास्ट टाइम एक स्नाइपर ने हमारी बैंड बजा दी थी, और अभी डीक बूजर को ये बता रहा है कि उस लड़की के बारे में पता चल चुका है और वो बंदा भी जिंदा है जिसके हेलीकॉप्टर पे हमने उस लड़की को भेजा था। सारा नाम है उसका, डीक की गर्लफ्रेंड है। और अभी मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा हूँ। ये क्या, यहाँ पे क्या हुआ है? यार ये वही जगह है ना जहाँ पे उस लड़की का मर्डर किया था लियोन ने, और फिर हमने लियोन की बैंड बजाई थी। हाँ ये देखो, अच्छा इसने लोहे के पाइप से मारा था, क्रोबार है यार ये तो, कितना जालिम आदमी है ये पड़ी है वो लड़की। और लास्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे आए थे रात के टाइम पे, और लियोन ने जो स्टैश छुपाया हुआ था वो चुरा लिया हम लोगों ने यहाँ से। अभी वो स्टैश कूप को चाहिए, वो हमें ऑर्डर्स दे के हमसे काम करवाता फिर रहा है। और अभी यार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि मुझे इसकी डेड बॉडी को जलाना पड़ेगा। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता। ये क्या, मैंने नेड फेंक दी? ओ नहीं, मॉली फेंक दी थी। कितना बकवास हूँ मैं यार, हमें मुझे दोबारा से उधर जाना पड़ेगा। अच्छा पास में ही तो था, इतना मैं क्या परेशान हो रहा हूँ। वैसे नेड से भी बॉडी जल जानी चाहिए थी। ओके अभी मॉली है ना? हाँ मॉली ही है, मॉली करता हूँ मैं इसे। ओके ऑब्जेक्टिव हो गया पूरा? हाँ हो गया है। यार ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि सारा कुछ इस आदमी के साथ भेजा था, वो आदमी मर चुका था, बल्कि उनका पूरा कैंप मर चुका था, पर अभी वो आदमी जिंदा है फिर से, और सारा भी मतलब कि जिंदा होगी। अब मतलब उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा मैं? नहीं यार, नहीं ढूंढना मुझे लड़की को। इनका प्लान था, इन्होंने नॉर्थ की तरफ को जाना है, और मैं भी नॉर्थ की तरफ को ही जाना चाहता हूँ। पर अब मुझे पता है ये पहले लड़की को ढूंढने जाएगा, इश्क में पागल हुआ हुआ है। दुनिया जाए भाड़ में, हम अपनी मस्ती में, और ये ज़ॉम्बीज वखरी मस्त उड़ उड़ के आ रहे हैं मेरे पे। अबे ये क्या, इतने सारे मेरी बाइक भी गिरा दी, ये किधर आ गया मैं? यार इनका तो नेस्ट था यहाँ पे। ओ शिट 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 शिट, मुझे इनका नेस्ट जलाना पड़ेगा। रुको एक सेकंड, मेरे पास मॉली है तो सही। चलो ओए छोड़ मुझे। चलो मैंने इनका नेस्ट तो जला दिया कम से कम, मेरे पास हील भी नहीं है। शिट, हील क्राफ्ट तो कर सकता हूँ। शुक्र है सप्लाईज पूरी होती है अपने पास। ओके बैंडेजेस क्राफ्ट कर लो जितनी भी हो सकती है, जल्दी हील कर भाई मरेगा। ये देखो पागलों की तरह आ रहे हैं मुझे लंच समझ के। ये हेडशॉट मारूंगा इनमें, इससे भी मारूंगा। जल्दी लोड कर। ये देखो पागलों की तरह उड़ते हुए आ रहे हैं। खत्म, एमो खत्म हो गया। शिट मैं अपनी बाइक से बहुत दूर जा रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ नाइफ है। अच्छा नेड है, मोली बना लेते हैं। ओके दो मोलियां आ गई मेरे पास। आ जा, इसी तरफ को आओ सालो। आग में से गुजर के आओ, आग में से। यार मर गया मैं नहीं बचता जब तक मेरा नाइफ नहीं टूट जाता। चलो तब तक तो सरवाइव करेंगे ही। ओ नहीं, फाइटर ज़ॉम्बीज हैं ये, मार देंगे मुझे। मुझे अपनी बाइक तक पहुंचना किसी भी तरह, फालतू में पंगे नहीं लेने ज़ॉम्बीज से। बाइक किधर है, मैंने छोड़ी यार। बाइक के पास भागो, स्टामिना खत्म हुआ है। शिट अभी ज़ॉम्बीज किधर गए, मेरे पीछे तो नहीं आ रहे। शुक्र है, मुझे लगता मैंने उन्हें डॉज कर दिया। चलो इनका नेस्ट तो जलाया मैंने। ओए ये फिर से कैसे निकल रहे, नेस्ट जला दिया था मैंने, अजीब यार। ओ हील कर। ओके अभी बताता हूँ मैं तुम लोगों को, मरे हुए लोगों, दोबारा मरोगे तुम लोग मेरे हाथों से। और यार ये कूप बंद क्यों नहीं होता है इसके, इस बार बार ये रेडियो पे क्यों आ जाता है? दिमाग चाट गया मेरा, बंद करो ये रेडियो। अच्छा स्किप करना पड़ेगा, दिमाग चाट जाता है ये बंदा, समझता नहीं है। इधर मैं ज़ॉम्बी से लड़ रहा हूँ, उधर ये रेडियो पे खप खाना डाला हुआ इसने। ओए दोनों खा गए मुझे यार, गन में गोलियां भी नहीं है एक तो। मर जा, मरते क्यों नहीं है ये, मर जा कमीने। तो अभी उधर एक और घूम रहा है। नो बैंडेजेस, नो एमो, हर चीज खाली। मैं सोच रहा था फ्यूल भर लूंगा, वहां पे फ्यूल दिखा था मुझे अपनी बाइक के लिए, पर यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी आया हुआ, रिस्क ही ले रहा हूँ मैं। यहाँ से चुपके से मुझे फ्यूल उठाना है बस, यहाँ पे पड़ा हुआ था ये रहा। ओके अभी मुझे इसको चुपके से बाइक में भरना है, कोई और ज़ॉम्बी यहाँ तशरीफ आवरी ना ले आए अपनी। पहले बाइक को खड़ा करना पड़ेगा, वैसे 85% फ्यूल है, पर फिर भी मुझे फुल करना है, फुल रखना है मुझे। ये मैं कैन साथ नहीं लेके घूम सकता ना। वो देखो उसने मुझे देख लिया, तेरी ऐसी की तैसी। अभी हम लोग जा किधर रहे हैं? उस कूप के टाउन जा रहे हैं, 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं हम किधर जा रहे हैं। रुको मैं मैप पे देखता हूँ भाई, ये किधर, इतनी दूर किधर? चेजिंग लियोन वाला मिशन ही है। अभी 2 किलोमीटर दूर एक कैंप पे जा रहा हूँ,
और ये लियोन की स्टोरी लाइन चेज कर रहा हूँ मैं, उसी के रिलेटेड कुछ होने वाला है यहाँ पे। वैसे आसपास इधर और भी मिशन है पर मुझे दूर जाना है, पर मुझे यही मिशन करना है भाई। पहले लियोन की स्टोरी लाइन चेज करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि यार मुझे नॉर्थ की तरफ को जाना है। अभी बीच में सारा वाला जो आ गया ना, खच मच गई है। और यहाँ पे किसी को हेल्प चाहिए, मुझे भी हेल्प चाहिए, मेरे पास हील नहीं है, वो गाड़ी में कोई फंसा हुआ है, वो हेल्थ खत्म खत्म हेल्थ खत्म, यार मुझे इसे बचाना ही है। ओके एक वेपन तो हाथ आया मेरे कम अज कम। या आगे मेरे ख्याल कोई कैंप वगैरह है तो सही, जहाँ से मुझे शायद एमो मिल जाए। वो देखो आगे से शायद मुझे एमो मिल सकता है, मुझे बस जोम्बिस को अपने पीछे लेके आना है। अभी वो बंदा कार से निकल तो सकता है जिसको मैं बचाने के लिए जोम्बिस को अपने पीछे ला रहा हूँ, जीरो हेल्थ के साथ। भाई वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ, मैं एमो लेने के लिए आया था, सामने चेक करो, यहाँ पे तो जोम्बिस की बारात निकली हुई है। शिट गंदा फंस गया, इस डिब्बे में क्या है, प्लीज एमओ होना चाहिए इसमें, नहीं कुछ भी नहीं है यार। यहाँ सामने जोम्बिस की बारात है, और जो बारात मेरे पीछे आ रही थी मैंने उसे लूज कर दिया शायद, बस एक जोम्बी मेरे पीछे भागा हुआ पागलों की तरह, इसे भी लूज कर देता हूँ मैं। आगे जाने वाले तो कोई हालात नहीं है, वहां से बच के नहीं आ सकता कोई भी। ओ शिट यहाँ पे भी घूम रहे हैं, वहां पे देखो आग जल रही है, मतलब वहां पे कोई है, पर उसके लिए मुझे इन दो ज़ॉम्बीज़ को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। मुझे रिसोर्सेज चाहिए अपने लिए, नहीं तो मैं मरूंगा। अभी मैं वापस उस बंदे को बचाने जाऊं, अपनी बाइक भी लेने जाऊं, फिर भी वहां पे ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तभी यार मुझे पहले रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेने चाहिए। बस वो पास में ही है कैंप, यहाँ से मुझे हेल्प मिलनी ही चाहिए, कोई तो बैठा हुआ है। ओह शिट ये भी दुश्मन है मेरे, मतलब मैं अपनी मौत की तरफ खुद ही भागा चला आ रहा हूँ, आज वो कह रहा है मेरे साथ। चुपके से अब मुझे यहाँ से भी निकलना पड़ेगा। ओह शिट वो देखो सामने ज़ॉम्बी आया हुआ है, यहीं से तो जाना था मुझे, वहां पे भी एक घूम रहा है। कैसे निकलूं मैं यहाँ से, चुपके से छुपते छुपाते, ठीक है पानी पी रहा है ये ज़ॉम्बी, पानी पी रहा है, अजीब यार पानी भी पीते हैं ज़ॉम्बीज। तो कहीं पे था वो बंदा मुश्किल में फंसा हुआ, मेरी बाइक किधर है, ज्यादा पीछे छोड़ आया हूँ मैं, वो रही मेरी बाइक। ओके वो बंदा यहीं पे है, वो देखो अभी भी ज़ॉम्बीज उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, वो चीखे मार मार के ज़ॉम्बीज को बुला रहा है, पागल आदमी। या मेरे ख्याल से अभी तक वो मर गया होगा। रुको मुझे यहाँ से एक मजे का वेपन मिला है, इस वेपन से मैं इन ज़ॉम्बीज के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। वो बंदा अभी भी जिंदा है और वो फिर से चीखे मारने लग गया है, ज़ॉम्बीज को फिर से बुला रहा है अपने पास। ये बंदा क्या चाहता है, ये ज़ॉम्बीज को क्यों अंदर बुला रहा है, और ये अगली सीट वाला बंदा तो बिल्कुल ही खत्म हुआ पड़ा है, पर ये कैसे बच गया। अच्छा पहले मुझे उन ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको बचा सकता हूँ। अभी मैं चुपके से एक ज़ॉम्बी का तो सफाया करूं यहाँ से। ओके दूसरे वाले को भी पता नहीं चला है, वो देखो पानी में बैठा हुआ है, इसका भी सफाया करता हूँ मैं। और चीखे मारना तो बंद कर गाड़ी वाले बद्दे निकम्मे, तुझे मैं ही गोली मार दूंगा। ज़ॉम्बीज को अलर्ट कर रहा है, पर ज़ॉम्बीज की भी ऐसी की तैसी, अब वेपन ही बड़ा कमाल का मिल गया मुझे। ओके अभी मैं उसे बचाता हूँ, आसपास के ज़ॉम्बीज को मैंने मार दिया, अब देखो खुद ही निकल आया भाई, मार तू भी। अभी मैं इसको किसी कैंप के बारे में बता रहा हूँ, कूप के कैंप पे भेज दो इसे। ओके भेज दो, बस पहुंच जाए, इसकी तबीयत से तो नहीं लगता ये पहुंच पाएगा। ये किधर गायब हो गया फौरन से, वो देखो एक ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी की ही डेड बॉडी को खा रहा बैठा। रुको एक सेकंड, इसकी तबीयत साफ करता हूँ मैं, ये कोई बात है भला करने वाली, निकल तू यहाँ से बेहूदा ज़ॉम्बी। ट्रस्ट इंक्रीज हो गया कोपलैंड के साथ, बाइक रिपेयर भी कर लें, धुएं निकल रहे हैं बाइक से। और अभी रास्ते में कोई मर भी रहा होगा ना तो उसकी हेल्प नहीं करनी है मुझे, क्योंकि मेरी हेल्थ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और हमें अभी 2 किलोमीटर दूर जाना है। ओके ओए सामने से गुजर के जाना जहाँ पे ज़ॉम्बीज की बारात जा रही थी। शिट वो ज़ॉम्बीज जंप ना करें मेरे पे, वो देखो फिर से आ रहे हैं वो लोग, ये यहीं पे चक्कर लगाते रहते हैं क्या, रास्ता क्यों बंद है यहाँ पे भाई, जल्दी निकलो यहाँ से। ओके फिर से बारिश शुरू हो गई है, धूप में भी बारिश हो रही है, इसलिए तो जंगल उगा पड़ा है यहाँ पे, सिविलाइजेशन खत्म हुई है। ओ नहीं ये मैं किधर आ गया हूँ, ओ शिट रास्ता बंद है, क्या निकल जाएगी बाइक, नहीं निकल रही। और यहाँ पे ज़ॉम्बी घूम रहा है ना, ज़ॉम्बी घूम रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, ये वेपन बड़ा कमाल का है, मेरे पास हेल्थ हुल्थ कोई नहीं है, बस ये वेपन अपने को बहुत काम दे रहा है। गाड़ी मुझे पीछे आनी पड़ेगी, ये टनल वगैरह से गुजरना ना बड़ा अजाब है। ओके 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 इतना काफी है, नहीं तो इस गाड़ी का अलार्म बज जाएगा। रुको एक सेकंड, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, बाइक उठाओ जल्दी से और बस चलो यहाँ से, इससे पहले के मजीद कोई मेहमान हमें ठोक दी बाइक, इससे पहले के मजीद कोई मेहमान आ जाए यहाँ पे। ओ नहीं फिर से रास्ता बंद, एक और ज़ॉम्बी, 2 ज़ॉम्बीज, क्या चीखे मार रहा है तू, मेरी हेल्थ बिल्कुल फारिग हो गई है, आई नीड टू हील, पर मेरे पास कुछ नहीं है हील करने के लिए। किधर आ रहा तू है,
स्क्रैप ही स्क्रैप मिल रहा है, खा लूं क्या मैं स्क्रैप को? हील चाहिए मुझे। ये सारी गाड़ियां उन सर्वाइवर्स की हैं जो यहाँ से निकलना चाह रहे थे, पर वो ज़ॉम्बीज बन गए बेचारे। बाइक निकल ही जाएगी, इतना तो रास्ता बन गया, चलो आगे निकल तो आए। मेरे ख्याल आगे फिर से रास्ता बांधा नहीं, खुला हुआ है। ओके, टनल से निकल आए हम लोग जिगजैग करते हुए। बादल बहुत जोर जोर से गरज रहे हैं यार। ऑफ रोड पे चलें, क्या मजे का रास्ता है। ऑफ रोड से होते हुए चलते हैं, बादल कितने मजे के आए हुए यार। ओ शिट, यहाँ पे भी कुछ बुरा हुआ है, सर्वाइवर्स की गाड़ियां। यार बहुत दुख होता है मुझे ऐसे सर्वाइवर्स की गाड़ियां देख के। ओके, अभी हम लोग वापस से रोड पे आने वाले हैं। बस यही कुछ था ऑफ रोड का सफर। नहीं, हम यहाँ से फिर से ऑफ रोड पे हो जाएंगे। मुझे मजा आ रहा है यहाँ पे बाइक भगाते हुए, क्या ही सीन है यार। आई होप तुम लोगों को भी मजा आ रहा होगा, है ना। वैसे में हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं मजे लेते हुए। भाई केव्स चेक करो, ये डैम है? नहीं डैम तो नहीं है, कितने मजे की केव्स लग रही हैं ये। उधर जा सकता हूँ क्या मैं? पहाड़ के अंदर से होके जाना पड़ेगा, पर अभी मैं नहीं जा सकता, अभी मुझे वापस जाना है। हम लोग गलत रास्ते पे आ गए हैं और सामने भी ज़ॉम्बी घूम रहा है। वो देखो सामने नॉर्थ है, या मतलब हमने यहाँ बर्फ वाली जगह पे जाना है, और मेरे से वेट नहीं हो रहा कि हम लोग कब जाएंगे नॉर्थ में बर्फ में। शायद ये देखो, अब मैं यहाँ से कैसे उतारूं बाइक? क्या यहाँ से रास्ता है? अच्छा यहाँ से रास्ता है, पत्थर वाला रास्ता। ओके, बाइक क्या चीखे मारने लग गई है। इस बाइक में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है ऑफ रोडिंग करने की। अच्छा मैं कह रहा था बर्फ में भी ज़ॉम्बी सरवाइव कर सकते हैं क्या? ये क्या चीखे कौन मार रहा है यहाँ पे? ओ ट्रैप था, आगे देख लेता मैं, क्या हुआ मुझे, अंधे हुआ हूँ मैं, मेरी हेल्थ नहीं है। नहीं मात मारी मुझे, एक और चांस मिल जाए मुझे बस, ये बंदा एक दफा मेरे सामने आ जाए। ये किधर हूँ मैं? अजीब, फिर से टनल में फेंक दी इन्होंने मुझे। इस बारी मैं कोई गलती नहीं करने वाला, पीछे भी एक नैरो चेक पॉइंट छोड़ दिया मैंने। इस दफा नैरो चेक पॉइंट से हम लोगों को बैंडेजेस ढूंढनी है, मिल जाएंगी मुझे पता है। बूजर के लिए भी हमने वहीं से बैंडेजेस ढूंढी थी। ये देखो आ गए हम नैरो चेक पॉइंट, और यहाँ पे पहले मुझे जनरेटर ऑन करना पड़ेगा आई गेस। ये दरवाजा खुला होगा पहले से, पावर ऑफ। और पावर ऑन करने से पहले भाई इसके स्पीकर्स ऑफ कर लेता हूँ मैं, लास्ट टाइम भी बहुत मुश्किल हुई थी। ज़ॉम्बीज इकट्ठे हो जाते, मुफ्त का शोर मच जाता है इन स्पीकर से। ओके, एक तो गया, अभी दूसरा स्पीकर, दो थे पहले, ये रहा दूसरा लगा हुआ यहाँ पे। ओके, दूसरा भी गया। अब बस मुझे फ्यूल ढूंढना है जनरेटर के लिए। ये जनरेटर में फ्यूल है? पता नहीं, होना चाहिए। फ्यूल खत्म, ये पड़ा है फ्यूल। ओके, शुगर है, फ्यूल के लिए ज्यादा मारा मारी नहीं करनी पड़ती, पर जनरेटर चलाने के लिए बहुत मारा मारी करनी पड़ती है। ओके, भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बस कोई स्पीकर रहने गया हो तो फटे हुए स्पीकर सुन के ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। खोलो दरवाजा भाई, जल्दी खोल ले। दरवाजा क्यों नहीं खुला? अजीब, नहीं खुल रहा। क्यों? ये भी नहीं खुल रहा, कोई दरवाजा तो खुलना चाहिए भाई। हद हो गई, ये क्या है, फ्यूज ही नहीं है यहाँ पे। ओके, फ्यूज चाहिए पहले, एक सेकेंड, इस साइड से मुझे फ्यूज मिल जाएगा। ये फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए जाना है मुझे, और ये मुझे फ्यूज तक ले जाएंगे आई गेस। फुटप्रिंट्स यहाँ पे खत्म हो गए, पर यहाँ पे तो कोई फ्यूज नहीं है। एक सेकेंड, ये किसके टुकड़े पड़े हैं भाई? यहाँ पे तो कोई मुझे फ्यूज नहीं दिख रहा। रुको, शायद अब मैं हाँ बैंडेज क्राफ्ट कर सकता हूँ। ओके, थोड़ी सी हेल्थ तो बनाए, चीख चीख के पागल हो गया बेचारा दर्द से। ओके, अभी नया ट्रैप मिला है हम लोगों को डेड बॉडी के पास से, और शायद हम लोग फ्यूज के पास जा रहे हैं। यहाँ कहाँ पे फ्यूज मिलेगा हमें भाई? ट्रक के अंदर, इस क्रेट के अंदर फ्यूज। ओके, मिल गया, नाइस। अब तो दरवाजे खुलने ही चाहिए, है ना। ओके यार, स्पीकर एक खुला हुआ था उस साइड पे, वो देखो। ओ शिट, ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, अंदर ही जाओ भाई, क्या बकवास है ये स्पीकर वाली। ओके, मेडकिट मिल गई है, सारा सामान लूट करके यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। इस क्रेट के अंदर क्या है? ओ हाँ, इंजेक्टर स्किल बढ़ाने के लिए, हमने पहले स्टामिना बढ़ाया था, इस दफ़ा हेल्थ बढ़ा लेते हैं। कॉम्बैट ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है और हेल्थ अपनी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। अभी हम लोग बाहर निकलें, पर मेरे पास कोई वेपन नहीं है। गन लॉकर, नो वेपन, $90 का एमओ परचेज कर सकता हूँ मैं यहाँ से। ओके, कर लिया मैंने, अपनी पिस्टल के लिए मैंने एमओ ले लिया है। अभी बाहर ज़ॉम्बीज आए हैं काफ़ी सारे, और मुझे अपनी बाइक तक पहुँचना ही है। ओके, अब हम लोग जाने वाले हैं बाइक। वो देखो काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज आए हुए हैं। ओ मेरी बाइक तो यहीं पे खड़ी है, चलो निकलते हैं यहाँ से, देर किस बात की है। यहाँ से होके निकल जाते हैं हम, ऊपर से होके रोड पे चले जाएंगे, बाढ़ में जाएंगे ज़ॉम्बीज। अच्छा बारिश भी तेज़ हो गई है, ऑफ रोडिंग करते हुए जाएंगे भाई। ऑफ रोडिंग का तो हमें मज़ा आता है अलग से। अभी पहले भी हम यहाँ से गुजरे थे, है ना, अब मैं फिर यहाँ से गुजर रहा हूँ, और इस दफ़ा यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ मचा हुआ है।
पर बाइक चलाने का उससे भी ज्यादा मजा आ रहा है। एक पत्थर वाला ट्रैक होगा, उससे होके जाना है हमें, लेकिन वो आगे है। ओके, बस 800 मीटर्स रह गए और हम उस कैंप तक पहुंचने वाले हैं। अब ये ट्रक यहाँ पे कहाँ से आ गया? पहले तो नहीं था, कितना गंद मचा हुआ है यहाँ पे। अभी ट्रक के साथ लोग क्या कर रहे थे जो यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया? एक सेकंड रुको यार, हम पहले भी यहाँ से गुजरे हैं। हाँ मुझे पता है हम यहाँ से गुजरे, पर पहले ट्रक यहाँ पे नहीं था जो अभी यहाँ पे खड़ा हुआ था। ओके, अभी आगे एक ट्रैप भी आना है। ओ, स्नाइपर बैठा हुआ है। एक सेकंड, इस स्नाइपर की ऐसी की तैसी करता हूँ मैं। बस अपनी गन रीलोड कर लो एक बार। स्नाइपर साहब जरा मुंडी तो दिखाएं। ओ, वो ये बैठा हुआ है, हटो हटो, गोली मारेगा ये। रुको यार, अपनी लेजर साइड पे कर ले। एक सेकंड, ओ नहीं, इसने पहले मार दी मुझे। ओके, हेडशॉट पड़ा उसे। ओ, ये कौन आ गया पीछे से? दो लोग आए हुए, तीन लोग आए हुए, मेरी तबीयत साफ कर रहे हैं। रुको, इन्हें मैं बताता हूँ। निकाल के अपना खंजर, ऐसी की तैसी मेरे से पंगे लेंगे, एम्बुश करते हैं मेरे पे। काम तमाम, कुछ चीजें तो इनसे मिली। अभी वो स्नाइपर की तरह जिसको मैंने हेडशॉट मारा है। अच्छा, ये स्नाइपर लेके बैठा हुआ था और मुझे हेडशॉट नहीं मार सका ये निकम्मा, पर मैंने पिस्टल से इसे हेडशॉट मार दिया। पर अभी इसकी गन नहीं मिली मुझे, अफसोस। अभी रोड पे ही नजर रख रही है, कहीं से भी कोई भी अटैक कर सकता, कुछ पता नहीं चलता। फिर से टनल से होके जाना पड़ेगा यार, शिट। और ये हिरनिया क्या करते घूम रहे हैं? कितना अंधेरा है यार यहाँ पे। आगे चीखे कौन मार रहा है आगे? यार यहाँ पे आग किसने लगाई है? चीखों को छोड़ो, ये आग का मुझे पहले बताओ, आग किसने, ये कौन लोग हैं? फिर से वही अटैकर्स थे ना? कम ऑन यार, क्या मैं कर रहा हूँ? इतना बड़ा इन्वेस्टिगेटर बना हुआ हूँ, अभी तक मैं कैंप पे नहीं पहुंच पाया, मिशन क्या करूंगा? मैं सोच रहा था आज की वीडियो में हम काफी सारे मिशन कर लेंगे, पर मेरे सोचने से क्या होता है, हमें सरवाइव करना है जैसे भी करके। बस ये एम्बुश वाले काम तमाम कर देते हैं बार बार मेरा। ओके, फिर से टनल से गुजर रहा हूँ और इस बार यहाँ पे आग जली हुई तो रुकना नहीं है, बस भागते रहना है। आग जल रही है, फिर से यहाँ पे ट्रैप है। ओके, इस दफा मैं निकल जाऊंगा, मुझे रुकना नहीं है बस यहाँ पे। ओके ओके ओके, बड़ा यार यहाँ पे जिगजैगिंग बनाई हुई है, पर फिर भी हम लोग निकल आए है ना, रुकना नहीं है, नहीं तो वो लोग मार देंगे आके। ओके ओके ओके, निकल आए। अभी बस 300 मीटर ही रह गया वो कैंप, और आगे फिर से रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। कोई बात नहीं, हम ऑफ रोड होके चले जाएंगे, कहीं से भी जंप करवा सकता हूँ इसे। ओके, और काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है, देखो अब स्पीड भी कम हो गई है इसकी। ओ, यहाँ पे भी नेस्ट है, ज़ॉम्बीज का नेस्ट है, ज़ॉम्बीज मेरे पे आ रहे हैं। देखो बाद में क्लियर करेंगे, अभी हम लोग मिशन पे पहुंच आए हैं तो पहले मिशन कर लेते हैं। ओके, काफी मजेदार कैंप बनाया हुआ है, पूरी की पूरी बिल्डिंग इन्होंने कब्जे में ली हुई है मेरे ख्याल से। नहीं, वहाँ पीछे है कैंप। ये क्या जला रहे हैं, ज़ॉम्बीज की डेड बॉडीज शायद, मुझे ऐसा ही लग रहा है। बड़ी सेफ्टी की हुई है। टकर रखाए, मिलने आया हूँ मैं। अभी इस कैंप में देखते हैं क्या होता है। ओके, धमकी दे रहा है भाई, अगर मेरी बाइक को किसी ने टच किया तो उसकी उंगलियां तोड़ दूंगा मैं। और ये बनता भी है, पहले भी एक कैंप वालों ने हमारी बाइक की ऐसी की तैसी कर दी है। किधर है वो जिससे मैं मिलने आया हूँ, इस कैंप का लीडर? वो रहा 80 मीटर पे दूर। इनका कैंप ज्यादा बड़ा है यार, अखीर कैंप बनाया हुआ है। वो दूसरा कूप वाले ने जो बनाया था वो तो ट्री हाउस ही लगा रहा था, कैंप तो नहीं था। अभी मैं तसल्ली से जरा इनकी कन्वर्सेशन सुन लेता हूँ। यहाँ पे कोई खुदाई कर रहे हैं और ये औरत जो है ये इस कैंप की ओनर है, लीडर है, जो भी है। गुस्सा हो रही है ये, और इस काउबॉय को बहुत मुसीबत पड़ी हुई है, बहुत फिक्र हो रही है ऐसे लोगों की भूख की, पर ये उसका मशवरा मान नहीं रही। इसको ये खुदाई पूरी करवानी किसी भी हाल में, चाहे बंदे मर भी जाए। अभी ये बता रहा है कि रिपर्स यहाँ पे अटैक करने का प्लान कर रहे हैं, और इन्हें कुछ पता नहीं है कि रिपर्स किस साइड से आएंगे, का किस टाइम आएंगे, बस सुबह टाइम उनको देखा है इन्होंने। मेरे से क्या चाहता है ये मुझे कह रहा है कि मुझे शायद पता हो रिपर्स के बारे में। ये लियोन को कैसे जानती है, ये कौन है और लियोन को कैसे जानती है ये? अच्छा, अभी अपनी बग्गी में लेके मुझे घूमने वाली है इस कैंप में, गोल्फ क्लब बना। अच्छा, ये गोल्फ क्लब पे कब्जा किया हुआ इन लोगों ने। ओके, अभी इसने मुझे पूरा अपना बायोडाटा दिया, अपने बारे में बताया और पूरा अपना कैंप घुमाया। और अभी ये मुझे कह रही है कि इसके पास मेरे लिए एक जॉब है, कहीं पे एक लड़की मुसीबत में फंसी हुई है और उसको हमको बचा के लाना है, पहले उसको ढूंढना है ताकि बुरे लोग उस तक पहले ना पहुंच जाएं। वाह यार, ये बाइक्स कितनी मजे की हैं, नहीं तो खटारा है। ठीक है, मैं इसके लिए काम करूंगा, क्योंकि बदले मुझे पैसे देगी। मर्चेंट के पास क्या करने आना मुझे? ये तो वही बंदा जो मेरे साथ दुश्मनी कर रहा था। इनका आपस में कोई पर्सनल मसला चल रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे वेपन्स दिखाओ। यार पिस्टल तो मेरे पास पहले भी है, मुझे एमओ फुल कर लेना चाहिए, है ना? एमओ फुल कर लेते हैं, और बाकी चीजें खरीदने के लिए ट्रस्ट लेवल 2 चाहिए जो अभी मेरा नहीं बना है। चलते हैं फिर यहाँ से।
ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे डिसीजन एक लेना है कि मेरे पास जो लियोन का स्टैश है अपनी बाइक के ऊपर, ये मुझे किसे देना है? यहाँ पे जो औरत थी उसे देना है या फिर कोपलैंड को देना है? कोपलैंड को देता हूँ तो मेरी बाइक रिपेयर करने का प्रॉमिस किया है वहां पे मैनी ने, और अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये स्टैश तो यहाँ पे इनके पास वेपन्स है अच्छे अच्छे, अगर अच्छे अच्छे वेपन्स है तो वो भी तो मुझे खरीदने ही है ना भाई, तो ये स्टैश जो है ये मैं कोपलैंड को ही देने वाला हूँ, इस औरत को नहीं देने वाला हूँ, वो बंदा मुझे वैसे भी अच्छा लगा था। हाँ ये मैं कोपलैंड को ही देने वाला हूँ, मुझे मेरी बाइक तो मिलेगी फ्री में। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग कोपलैंड के पास ही जाने वाले हैं, उसे स्टैश देना है मुझे। वैसे इसमें है क्या ये नहीं पता चला अभी तक कि इस डब्बे में क्या है, खोल के भी नहीं देखा मैंने, पर लोग पागल हुए हैं इस डब्बे के पीछे। एक सेकंड रुको यार, मैप देख लो, पता नहीं जा किधर रहा हूं मैं। ठीक है, पहले हम लोग कोपलैंड के पास जा रहे हैं, उसे स्टैश देते हैं, अपनी बाइक वापस लेते हैं। आई होप कि उसने मेरी बाइक रिपेयर कर दी हो, नहीं तो मैं इसके पूरे कैंप को आग लगा दूंगा। यार रात भी हो रही है और कितनी ये सुनसान सी जगह है, यहाँ पे मेरी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं आने वाला। अब बस रास्ते में मजीद ट्रैप्स ना बने हो। एक सेकंड रुको, ज़ॉम्बी से पंगा लेने से पहले मैं जरा अपनी बाइक, फ्यूल 8% रह गया है तो मैंने अब देखा, शिट यार मुझे फ्यूल भी चाहिए। रुको मैप में कहीं है क्या? हाँ है तो सही, पर वो ज़ॉम्बी नेस्ट्स के पास है। शिट फ्यूल मुश्किल हो गया लेना मेरे लिए, काफी दूर है यहाँ से, कैसे पहुंचूंगा मैं फ्यूल तक? पीछे कहीं भी नहीं है फ्यूल। शिट एक सेकंड रुको, यहाँ मैप में काफी जगह फ्यूल नजर आ रहा है, इस तरफ को चल के देखते हैं, शायद यहाँ पास में कहीं भी फ्यूल मिल जाए मुझे। ब्लैक कैंप पर एम्बुश कैंप, ओके दुश्मनों के कैंप से होते हुए गुजर रहा हूँ मैं, इनके पास भी तो फ्यूल होगा? नहीं आगे ही है फ्यूल, आगे चलते हैं। ओके ये इनके पास तो स्नाइपर्स भी हैं, शिट पर इनके पास फ्यूल भी है, मुझे इन्हें मारना पड़ेगा पहले। कोई मुश्किल नहीं है, इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, और फिर मुझे एमओ भी तो चाहिए, एमओ भी मिल जाएगा मुझे अपनी राइफल के लिए। यहाँ पे कहीं पे स्नाइपर है, स्नाइपर किधर है? पहले स्नाइपर को उड़ा लूँ मैं, ये इधर उधर के जो फिर रहे हैं ना इन्होंने भी तंग किया हुआ मुझे। ये देखो मर जा, ओए ये देखो, तुझे नहीं पता मेरे पास ज्यादा अल्ट्रा वेपन है? नहीं पता इनको, हील कर ले, हील कर ले जल्दी, गन है तो पास आके क्यों मार रहे हो, मरना चाहते हो? जल्दी सबको सर्च कर लो, एमओ चाहिए, एमओ चाहिए, मेरा वेपन भी टूटने वाला है। शिट ओ नहीं, कितनी गंदी मशीन गन से मार रहा था भाई, मैं जहाज थोड़ी हूँ, इतनी गंदी मशीन गन यूज कर रहा था ये बंदा। ओके बाइक अभी मैंने यही पे पार्क कर दिया, मैं दोबारा से जाने वाला हूँ इस कैंप में, ऐसी की तैसी इनकी तेरी, निकल निकल इधर से, आए अब कोई मेरे रास्ते में। वो देखो स्नाइपर उधर बैठा हुआ है, पर इतनी दूर से मैं कैसे मारूं उसे, मुझे पास जाके मारना पड़ेगा नहीं तो ये स्नाइपर मेरी ऐसी की तैसी कर देगा। रुको पहले मुझे इस जगह से हटना पड़ेगा। ओ कमोन कमोन, वुल्फ कहाँ से आ गया? अब रीलोड कर भाई जल्दी, वुल्फ की कमी थी यहाँ पे। ये कोपलैंड का रेडियो नहीं बंद होता, फिर से शुरू हो गया ये। वो बंदा आ रहा है उधर से, एक आए आए यहाँ पे, ऐसी की तैसी इसकी, एक और आ। ओके ये पूरा कैंप क्लियर करना है मुझे, अब मैंने ये पंगा ले ही लिया तो ऐसी की तैसी इनकी, उस स्नाइपर तक भी जाता हूँ मैं, सबर करे वो स्नाइपर, हील कर ले पहले, और मेडकिट्स बैंडेजेस क्राफ्ट कर लेता हूँ मैं, एक ही बैंडेज क्राफ्ट हुई हुई है। शेट एमओ तो मिलेगा कम अज कम, इससे पहले वो स्नाइपर गोली चलाए हट जाओ भाई। तो यहाँ पे मशीन गन वाला था, भूल गया मैं, रुको एक सेकंड, इस मशीन गन वाले की मैं तबीयत साफ कर लूं पहले। किधर है वो मशीन गन? स्टेल्थ में तो लड़ना आता ही नहीं है ना मुझे, अंदर घुस के मारूंगा मैं इन्हें, तेरी ऐसी की तैसी। ओके अपग्रेडेड चाकू मिल गया फिर से, किधर है वो बंदा जो यहां से जा रहा था कहीं पे, ये रहा तेरी ऐसी की तैसी, निकल। बच गया, अब बच के दिखा, ये वही लोग हैं जिन्होंने बूजर का बाजू जलाया था, और मैंने अकेले ने इनकी तबाही फेर दी। ये क्या था, ये किस तरह की गन थी इसके पास, और ये एकदम से कैसे निकल आया, ये छुप के खड़ा हुआ था, ये फिर यहाँ पे आ गया। कितनी दफा मारूं मैं इसे, मुझे इन्हें मारना ही है, ये वही लोग हैं जिन्होंने बूजर की ऐसी तैसी की थी ना, मर्डरर्स हैं ये साले, इनकी ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी मुझे, पूरा कैंप खाली करना। यार एक स्नाइपर ने जलील किया हुआ मुझे, छुप छुप के आगे जाना पड़ेगा। ओ नहीं, हील हील हील, वो स्नाइपर जलील कर रहा है, बाकी इनकी तो खैर है। यार वो सामने मशीन गन वाला फिर से जिंदा हो गया पता नहीं किस तरह, पर अभी वो मरेगा मेरे हाथों से, क्योंकि वो पहले भी मरा है। वो देखो ये किधर जा रहा है, किधर जा रहा है तू? इधर हूं मैं, बच्चे बच्चे हैं अभी, ये नहीं पंगे ले सकते ये मेरे से, बस अब कोई अचानक से ना निकल आए कि किधर आ रही है, मार इसे, मुझे मारने आ रहा था।
यहाँ से अपग्रेडेड गरम चाकू उठाना है मुझे। अभी मुझे पता पीछे एक बंदा छुपा हुआ होता है तो मैं जरा ध्यान से जाऊंगा। और उसके पास मशीन गन है, कवर में रहो भाई, कवर में। ओके रीलोड कर ले पहले। हील 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 हील, एक सेकंड रुको, ग्रेनेड फेंकता हूँ मैं। इतनी दूर चला जाए बस, मुझे नहीं लगता जाएगा। वो मशीन गन वाला बंदा बाहर निकला है, मेरे पास मौका है। रुको, ओके मैंने मार दिया उसे। अभी एक ही रह गया नमूना, ये भी गया। कम ऑन भाई, हील के लिए कुछ दे दो मुझे। ओके बैंडेज क्राफ्ट कर लेते हैं। ओके ओके ओके, 5 बैंडेजेस आ गई, काफी हैं। इन सब की डेड बॉडीज को मैं सर्च कर लेता हूँ अच्छे से। इन्होंने यार कितने सिविलियंस को मारा हुआ है, और ये पागल किस्म के लोग हैं ये। कैंडल्स जला के रखी, इन्हें कैंडल्स कहाँ से मिल गई? ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रही। पर ये लिखा भी ब्लड से हुआ है इन्होंने। ओए फिर से आ गया एक। अभी मतलब सारा कैंप क्लियर नहीं हुआ है? हाँ ऑफ कोर्स, अभी सारा कैंप क्लियर नहीं हुआ है। उस स्नाइपर को भी मारना है अभी मुझे, और मैं अभी उसी के लिए जा रहा हूँ। चल बे निकल इधर से स्नाइपर, आई एम कमिंग। वो देखो वहां पे घूम रहा है। ओके हेडशॉट। अरे फिर शुरू हो गया, नहीं सुनने मुझे इसके भाषण। अच्छा अभी इनके पास कोई बंकर भी है यहाँ पे, बंकर ढूंढना है। क्या छुपाया होगा इन्होंने बंकर में? स्नाइपर की तो हमने ऐसी की तैसी कर दी है कि हेडशॉट से। आया बड़ा स्नाइपर। ओए क्या गन है इसके पास, क्रॉसबो फेंक दिया और स्नाइपर उठा लिया। नाइस, अभी मजा आएगा ना, ये स्नाइपर तो मेरे पास ही रहेगी। अभी मुझे इनका बंकर ढूंढना है, इनका बंकर कहाँ पे हो सकता है? फ्यूल चाहिए था, फ्यूल तो यहाँ पे भर भर के है। बाइक अपनी फुल करके मैं बाइक यहाँ पे लेके आता हूँ। 3% रह गया था सिर्फ फ्यूल इसमें, पड़े पड़े उड़ता रहता। मैंने कहा था बाइक की ट्यूनिंग होने वाली। ये ज़ॉम्बी की आवाजें कहाँ से आ रही है? वो पीछे भागे हुए आ रहे हैं नमूने। बाइक उठाओ जल्दी से, अभी कैंप क्लियर किया, अब ज़ॉम्बीज आ रहे। ओ यार इन्होंने कितना जुल्म किया हुआ लोगों पे, ये देखो दरख्त के ऊपर टांगा हुआ बेचारे को, ब्लड से कितना ब्लड बहाया हुआ इन्होंने गरीब लोगों का। पर अभी इस कैंप पे मेरा राज है, अभी यहाँ पे इन बदतमीज लोगों का राज खत्म। बट आई नीड टू फाइंड दैट बंकर। बंकर कहाँ पे हो सकता है? ऊपर चल के देखते हैं, शायद यहाँ से हमें कुछ नजर आ जाए। पर यहाँ से क्या ही नजर आएगा यार, यहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा। अच्छा इन लोगों की ऐसी वैसी कोई सेफ्टी नहीं है, लोग ज़ॉम्बी से डरते नहीं है क्या? आने जाने का रास्ता फुल खुला हुआ है, मुझे लगता है ये लोग ज़ॉम्बीज को कच्चा खा जाते होंगे। वैशी दरिंदे, कहीं पे तो होना चाहिए इनका बंकर। क्या यहाँ पे है? नहीं ये लकड़ी तो टूटी नहीं रही। ओ ये रहा, ओके छुपा के रखा हुआ था बंकर इन्होंने। पर इस जगह इन्होंने बना कैसे लिया भाई? जाएं क्या अंदर, देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को अंदर। ये क्या, ये तो ज़ॉम्बी नेस्ट लग रहा है मुझे। कितनी गंदी हालत है बंकर की, ज़ॉम्बी नेस्टी है भाई ये। कैसी जगह पे रहते थे ये लोग, ऐसे लोगों से अच्छे ज़ॉम्बीज ही हैं। क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैप और कुछ नोट्स। भाई मुझे स्किल पॉइंट्स भी तो मिल रहे हैं, और मैंने तो कोई स्किल यूज नहीं किया है। 3 स्किल पॉइंट्स हैं मेरे पास। ओके क्या चीज हमें फुल करनी चाहिए? रुको सर्वाइवल पे चेक करते हैं। कॉम्बैट देख रहा हूँ मैं, कॉम्बैट एस्केप आर्टिस्ट, ये इसकी तो जरूरत है। एस्केप आर्टिस्ट बनना है मुझे, ज़ॉम्बीज जब मेरे पीछे लग जाएंगे। ओके फोकस रेंज ये भी बढ़ा लेते हैं, फोकस शॉट। वैसे जरूरत पड़ नहीं रही ज्यादा, मेरा एम बहुत ही कमाल का है, पर फिर भी हम इसको ले ही लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और हम लोग स्टैश देने जा रहे थे कूप को, और वहीं पे चलते हैं। वैसे इस बंकर में आने वाले कोई हालात तो नहीं थे, बहुत ही गंदा बंकर था ये, और मैं इस बंकर में सो भी सकता था, पर मुझे नहीं सोना, मुझे जाना है, जल्दी जाना है, क्योंकि मुझे अपनी बाइक चाहिए यार, मुझे अपनी वो बाइक वापस चाहिए। ये खटारा नहीं चाहिए मुझे, इतना पतला सा छोटा सा रोड है ये। ओ ज़ॉम्बीज की चीखें, बख्श के जा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, बस दूर दूर रहना, ये लोग जंप भी कर देते हैं ऊपर। बाइक में नाइट्रस ही नहीं है भाई, जल्दी जल्दी पहुंचना था। अभी वापस उस टनल से मत गुजारना मुझे, मुझे टनल से नहीं गुजरना अब रात के टाइम पे। एक और नैरो चेक पॉइंट आ गया यहाँ पे, पर अभी हम लोग ये सर्च नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे बाइक चाहिए अपनी पहले वापस, उसके बाद ये काम होते रहेंगे। वैसे है तो ये बहुत क्रीपी कि पूरी दुनिया ज़ॉम्बी बन चुकी है, और आप रात के टाइम ऐसे जंगल पहाड़ों में बारिश हो रही है, अकेले बाइक चला रहे हो ज़ॉम्बीज के बीच। पर पता नहीं क्यों मुझे मज़ा आ रहा है, सोच के क्रीप आउट भी हो रहा हूँ मैं, पर मज़ा भी आ रहा है, अजीब है। यहाँ पे 4 नेस्ट्स हैं ज़ॉम्बीज के, क्लियर कर सकता हूँ मैं, पर अभी नहीं करने, जिसका डर था वही हो रहा है। टनल से गुजर के जाना पड़ेगा आगे, बस अभी यहाँ पे रास्ते ना बंद हो। ओके ओके अभी तक तो रास्ता बंद नहीं है, सामने बस ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। यहाँ पे मुझे कोई फाइट नहीं चाहिए। ओके निकल आएंगे टनल से, रास्ता खुला हुआ है। इसको भी उड़ाता हुआ जाता हूँ मैं, यहाँ ऑफ रोड से होके जाना है मुझे जंगल में होते हुए। रात के टाइम जंगल का सीन कितना खतरनाक सा लग रहा है। ओके और जगह जगह मेहमान घूम रहे हैं हमारे लिए।
इमेजिन करो अगर मेरी बाइक का फ्यूल खत्म हो जाए या जंगल में तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा, आसपास फ्यूल भी नहीं है कहीं पे। ओके, हम लोग कैंप पे पहुंच आए हैं कोप के, कोपलैंड्स कैंप। ओके, मेरी बाइक चाहिए मुझे वापस। बिलियन का स्टैश में इसको देने वाला हूँ। ये मुझे कह रहा है कि मैंने वाइज चॉइस की है। अरे भी मैं मैनी से मिल सकता हूँ, वो मेरी बाइक के लिए मेरी हेल्प कर सकता है। हेल्प क्या यार, मुझे मेरी बाइक वापस चाहिए। ये खड़ा वो बंदा, ये क्या बात हुई, मैं अपनी इसी खटारे को अपग्रेड करवा सकता हूँ यहाँ से। मेरी बाइक की तरह जो ये मुझे देने वाला था, इंजन अपग्रेड 1200 का, मेरे पास 2900 है। चलो मेजर अपडेट है, करवा लेते हैं। गुड चॉइस, तुझे तो लगेगी, तेरी तो जेब भर रही है। एग्जॉस्ट की क्या जरूरत है, लगा रहे जो लगा हुआ। अभी साइड बैग्स नहीं लगवा सकता, ट्रस्ट लेवल 2 चाहिए। वाओ, नॉस लगा हुआ है, नॉस फ्री में लगा के दे रहा है क्या, ये यही खटारा है, ये मेरी पुरानी बाइक है, मुझे समझ नहीं आ रही। फ्रेम, हाँ ये फ्रेम भी लगवा लेते हैं, $450 का है। टायर्स बहुत बकवास हैं यार, ये वाले चाहिए थे मुझे, अभी अनलॉक्ड है ये। ठीक है तो यही वाले लगवा लेते हैं, काफी खर्चा कर दिया मैंने बाइक पे। व्हील्स, हेडलाइट $100 की है, और अभी वाली हेडलाइट भी तेज है। व्हील्स के रिम्स चेंज हो रहे हैं, रिम्स अभी यही ठीक है भाई। एग्जॉस्ट की टिप चेंज हो रही है, $120 की है, अभी ये नहीं करवा रहा मुझे, लगा ही नहीं हुआ और अभी लगेगा भी नहीं, लेवल 2 रिक्वायर्ड है। ये क्या चीज है, हेडलाइट ठीक है यार, यही पेंट चेंज करवाते हैं। कौन सा पेंट करवाएं, अभी के लिए रेड करवा लें $10, बाद में चेंज करवा लेंगे, अभी के लिए रेड करवा लेते हैं। ओके, फ्रेम का पेंट व्हाइट कर दो फिर। स्टिकर्स नहीं, मुझे कोई स्टिकर नहीं चाहिए यहाँ पे। रिपेयर के पैसे ले रहा है, रिफ्यूल के पैसे ले रहा है, मुझे कुछ भी नहीं करवाना इससे। जो चीज़ें मैं मुफ्त में कर सकता हूँ मैं खुद कर लूँगा। चलो कुछ देखने काबिल तो हुई है अब ये बाइक, और थोड़ी फास्ट भी चलेगी आई थिंक। और यार इस बंदे ने मुझे कहा था कि मुझे मेरी वाली बाइक वापस करेगा अगर मैं इसको लियोन वाला स्टैश ला के दे देता हूँ, पर इसने मेरी बाइक मुझे वापस नहीं की, ये खटारा बाइक इसने मुझे मॉडिफाई करके दी, वो भी पैसे लिए हैं इसने। मतलब मैंने गलती कर दी, मुझे इसको स्टैश देना ही नहीं चाहिए था। यस आई एम नॉट हैप्पी। अभी हम लोगों को उस लेडी के लिए भी काम करना है जिसका नाम ट्रकर है, जिसके कैंप से हम होके आ रहे हैं, उसके लिए एक लड़की को ढूंढना है हमें। एक ड्रिफ्टर उसके पीछे पड़ा हुआ है, बुरे लोग पीछे पड़े हुए हैं ये समझ लो, उस लड़की को ढूंढ के लाना है। और वो कहीं पे फंसी हुई है बुरी जगह पे, और वहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज के नेस्ट भी हैं, वो भी क्लियर करने हैं। पर आज के पार्ट के लिए यार बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, सीरीज अच्छी लग रही है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार, प्लीज अपना सपोर्ट दिखाओ, प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए जाओ। 80% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को यार, ये गलत बात है, प्लीज सब्सक्राइब करो, प्लीज बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन कर दो। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।